सर गुड मॉर्निंग यस सरकार सप्लाई सुनना बात को ध्यान से बच्चों सर 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 अभी जो मैंने आपको बताया बेटा एग्जाम्पल्स सर आप केवल ध्यान से सुनिए आप केवल एग्जाम्पल्स को ध्यान सुनिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया हर्ष भाई का हर्ष भाई सीए बन गया बेटा हाँ है ना भाई अच्छा ये जो एग्जाम्पल दिया ना बेटा मेरा टारगेट सर 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 ओके मेरा टारगेट आपको ये एग्जाम्पल समझाना नहीं है मेरा टारगेट इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना है जो हम बुक से याद करते हैं बेटा क्लियर सर कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये नहीं बनेगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ये नहीं बनेगा कि राइट डाउन सेक्शन नंबर सेवन सर

आर्टिस्ट सर वो पेंटिंग बनाता बेटा क्या बनाता बेटा पेंटिंग घोड़ा घास खा रहा है भाई सर मान लो मैं पेंटिंग बनाता हूं बेटा और ऐसी पेंटिंग बनाता हूं बेटा दिमाग खराब <coughs> सर अब सुनना बात से सरकार अब जो पेंटिंग बनाया है वो पेंटिंग जब मैं सेल करूंगा दैट सेल ऑफ गुड्स बेटा पर सर कोई एग्जीबिशन हो रहा है मान लो कोई एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है जहां पेंटिंग्स हैंग करी जाएगी वहां लोग आएंगे देखेंगे पेंटिंग पसंद आएगी तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे और क्या है क्लियर मान लो बहुत बढ़िया सर सर क्या नाम अवीश अवनीश अवनीश भाई का सर आर्ट गैलरी है बेटा ये कोई एक आर्ट एग्जीबिशन कर, कर रहे हैं शिवाजी नगर में बेटा मान लो क्लियर अभी जो आर्ट एग्जीबिशन कर रहे हैं आपको पता है बेटा इंडिया के अंदर कोई भी आर्ट एग्जीबिशन हो वहां अगर अपनी पेंटिंग नहीं जाए तो वो एग्जीबिशन काम का नहीं अब सर इन्होंने मेरे से बोला फिफ्टी पेंटिंग आपकी वहां भेज दो साहब हम वहां पर एग्जीबिशन में हैंग करेंगे वहां लगाएंगे एंड सर वहां लोगों को पसंद आएगी तो बेचेंगे नहीं तो नहीं बेचेंगे सर क्लियर अच्छा मैंने पचास पेंटिंग इनके एग्जिबिशन में भेजी मेरे मेरा एक क्वेश्चन बेटा अब मैं आपको जज करूंगा कि सर ब्रेक से पहले जो हाफ एन आवर मैंने जो भी पागल जैसे से एग्जाम्पल देकर आपकी बातें करी हेजी मजाक करके कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको खुद को समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया सर ओके सुनना बात से अब मैंने वो पेंटिंग पचास पेंटिंग्स उस आर्ट एग्जिबिशन में भेजी है अच्छा इनके आर्ट एग्जिबिशन में जब ये पेंटिंग हैंग करते हैं मेरी पेंटिंग जब मंगाते हैं उसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है सर मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है वो तो बिकेगा जो कस्टमर आएगा वहां पे मेरा मेरा एक तरह से वहां पे काउंटर लगा हुआ बेटा स्टॉल लगी हुई बेटा सर वहां जो कस्टमर आएंगे उनको पेंटिंग पसंद आएगी मैं बेच दूंगा नहीं आएगी तो वापस ले घर और क्या है पर यहां से जब मैंने पेंटिंग उस आर्ट एग्जीबिशन में भेजी है अवनीश भाई के एग्जीबिशन के लिए सर आप मुझे बताओ क्या वो सप्लाई है आवाज यानी सर क्या सप्लाई है क्या जेस्ट लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि डिपार्टमेंट -का, का भी इश्यू करता है जब इंडस्ट्री को डाउट आता है इंडस्ट्री को डाउट आता है तब डिपार्टमेंट सर्कुलर इश्यू करता है क्लेरिफाई करने के लिए अरे मेरे भाई आप लोगों ने तो इस लेवल से पढ़ लिया कि आप सर्कुलर सोल्व कर रहे हो हाँ ना सर अब आप मुझे बताओ बुक से याद करना पड़ेगा सर आपको ये रहा सर कल बताता हूँ आपको सर ये रहा अभी दिखेगा सर आपको हाँ हाँ कोई बात नहीं कई सारी चीजें दिखती नहीं बेटा हाँ होती जरूर है बेटा सर मैं जस्ट बता रहा हूं आपके पास बुक होगी सर आप देख सकते हो ये सर ये सर्कुलर ये सर्कुलर नंबर दे रखा मैंने आपको अच्छा अच्छा हाँ हा, हा। स्लाइड चेंज करना रहेगा बेटा सर ये सर्कुलर नंबर भी दे रखा मैंने आपको अच्छा सर्कुलर नंबर याद करने की जरूरत नहीं है सर आपको ये पुण्य का काम पुण्य के का लिए क्या तो नो जीएसटी पुण्य का काम पब्लिसिटी के का लिए क्या तो जीएसटी लगेगा यदा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला बेटा पॉइंट सर ये आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट हा है ना भाई टू दी गैलरीज फॉर एग्जीबिशन हा है ना मालिक सर इस पर कोई जेस्ट नहीं लगेगा बिकॉज इट इज नॉट फॉर अ अंसिडरेशन मैंने अभी बुक में देखो मत सर आप मैंने जस्ट बताया आपको ये वाला कि सर हम जो यहाँ बात करें कि पंचायत ही नहीं कर रहे बेटा सर आपको हंसी मजाक करने के लिए नहीं बुलाया गया है पे सर क्लियर हाँ एग्जाम्पल जोरदार होंगे सर पर कौन कॉन्सेप्ट इतना भारी पढ़ाऊंगा सर मजा आएगा सर आपको जब पढ़ दो पढ़ोगे तब क्लियर समझे मेरी बात देखो बच्चों सर मैंने आपको डे वन भी बुलाया है कि टॉपिक दिल में उतरना चाहिए सर आपके और आपका दिल बोलना चाहिए सर ये होना चाहिए इस केस में मेरी गारंटी बुक में भी लिखा बोला ना मैंने आपको सर क्लियर क्यों बोला नहीं था प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको क्लियर समझे मेरी बात तो ये सारे टॉपिक आपको बुक में मिलेंगे ये सारे सर्कुलर्स वगैरह आपको बुक में मिल जाएंगे बच्चों पर पॉइंट मेरा क्या है पहले चीजों को समझो देखो दो अप्रोच हो सकती है बेटा मैं आपको बोलूं कि देखो ये सर्कुलर आया इंडस्ट्री में क्वेरी आई डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया और आप याद कर लीजिए बेटा इसको

सर इसलिए आप लोग खुश होकर पढ़ो पर पॉइंट क्या है मेरा टारगेट केवल वो एग्जाम्पल समझाना नहीं है तो आपको जब वो एग्जाम्पल समझना तो ऐसा नहीं उस टाइम एकदम बस अपन इस भगवान ऐसा नहीं क्लियर वो एग्जाम्पल समझना समझना उस एग्जाम्पल के पीछे का जो मैंने बैकग्राउंड आपको समझाया है उसका एप्लीकेशन आप कर लेंगे बेटा बस क्लियर समझे मेरी बात आप बेटा इसलिए आप मस्त होकर सुनिए इन वो लोग बात करिए सर जितना इन वो लोगों के बात करेंगे उतना मजा आपको आएगा और शायद तो आप हो ही होगा सर हाँ है ना भाई अरे क्लियर ओके okay, तो सर सप्लाई क्या पढ़ रहे हम सर सप्लाई सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट Goods or service or both, when such supplies are made or uh, agreed to be made by a person for a uh, consideration in the course or furtherance of his business. <coughs> in the course or furtherance of his business, Chali, sir, Man lo. <laughs> sir. Aapne आपने मान लो आपके पास जो मोबाइल फोन है है ना सबके पास बेटा नहीं बेटा चोरी किया बेटा किसी का सर मान लो आपके पास जो मोबाइल फोन है वो आपने किसी को बेच दिया दस हजार रुपए में बेटा सेल ऑफ गुड्स ध्यान इधर। सेल ऑफ गुड्स फॉर अंसिडरेशन क्या जीएसटी लगेगा Yes, क्या आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर बट इज इट इन दी कोर्स और फर्दरस ऑफ योर बिजनेस इज इट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस नो इट इज नॉट अट ऑल कोई जीएसटी नहीं लगेगा तो केवल कंसिडरेशन तक पिक्चर खत्म नहीं हुई थी बेटा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त है हाँ ना भाई सप्लाई शुड बी इन दी कोर्स और फर्दर ऑफ हिज बिजनेस क्या मोबाइल बेचना आपका बिजनेस था बेटा अगर होता तो ये सप्लाई कैसे स्कोप में आता क्लियर समझ मेरी बात और हाँ अगर आपके बिजनेस का असेट होता बेटा क्या होता बेटा ये जैसे मेरा मोबाइल मान लो ये मैंने अपने फर्म के नाम पे ले रखा बेटा

हाँ ना मालिक अगर मैंने कोई अपनी घर की पर्सनल ज्वेलरी बेच दी बेटा इज इट इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस सेल ऑफ गुड्स है फॉर अ है बट नॉट इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है कोई सप्लाई नहीं होगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा हा है ना मालिक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही अगर मान लो कोई ज्वेलर होता बेटा जिसका ज्वेलरी का दुकान है बेटा जिसका ज्वेलरी का काम है बेटा वो अगर ज्वेलरी बेचता तो

सर पर सर आपने कमर्शियल एंगल से काम किया है तो यस वो बिजनेस के स्कोप में आएगा एग्जाम्पल दू मैं इसका बेटा मेरे बाजू बोली उसके बारे में बोलू क्या सर मान लो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा <coughs> मान लिया सर आपने सर मैंने क्या किया ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को बेटा अपने घर की कोई पुरानी पेंटिंग थी बेटा जो घर पे हेंगोरी थी बेटा बहुत पुरानी पेंटिंग थी बेटा काम नहीं आ रही बेटा बुढ़ी हो गई पेंटिंग बेटा क्लियर देख देख के बोर हो सर पेंटिंग की बात कर रहा हूं मैं पेंटिंग किसकी थी बताऊं मैं आपको बेटा चंद्रमुखी बेटा वेरी गुड सर आमिजे तोमार आमी जे तमार। सर अब साहब हमने वो पेंटिंग बेच दी मैं सीए हूं मैंने अपने घर की कोई पुरानी पेंटिंग बेच दी क्या सप्लाई है क्या आवाज फॉर अ फिडरेशन है सप्लाई गुड्स है बट नॉट इन दी कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस ओके मालिक ठीक सेकंड एग्जाम्पल मतलब इस पर कुछ जीएसटी नहीं लगेगा सर सेकंड एग्जांपल मान लो बहुत अच्छा बेटा सर यहां से पढ़ाने के बाद जब मैं फ्री हो जाता हूं बेटा, तो मैं कभी -कभी? नहीं वो नहीं खेलता कुछ और खेलता बेटा सर सर मान लो ओके 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 सर ग्यारह बजे बाद बेटा सर अभी दिलाओगे माहौल खराब हो जाएगा सर सर सुना मान लो मैं कभी कभी साल में दो तीन पेंटिंग बनाता हूँ बना बताओ सप्लाई के आएगा सर आवाज आ रही सर नहीं मैं सीए हूं बेटा नहीं मैं मैं सीए हूं ना प्रैक्टिसिंग सी बेटा मैं पेंटिंग बना के बेचता हूं बेटा नहीं पर वो भी बहुत सारी नहीं साल में क्यों एक दो बेटा आवाज बिजनेस नहीं आएगा सर आएगा क्योंकि बेच रहा सप्लाई है बिजनेस के स्कोप में आएगा यही अगर मैंने अपने घर की पुरानी पेंटिंग बेची होती बेटा तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आती डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा आपको इन दी कोर्स बिजनेस भारत माता की जय सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए खत्म होता है अब क्लियर आया आनंद सर ओके तो सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए वापस बोल रहा बेटा ध्यान देना बेटा अब ध्यान से पूरा स्पीड से क्लियर सर एक एक वर्ड आपके दिल तक पहुंचना चाहिए सर एंड सर सप्लाई क्या बोला सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या बोला

अभी आप बात समझ रहे बच्चों कोई चमत्कार नहीं है सर वेट हाउ यू अप्रोच द सब्जेक्ट क्लियर सर या तो मैं दस बार इसको रिपीट करके आपकी बात करा दू बेटा या इसको ऐसा हम पढ़े कि अपना याद हो जाए बच्चों ओके okay? सर किसी के पीछे नहीं पढ़ने का ऐसा अपने आप में रखो कि समझे मेरी बात सर यहाँ तक बात समझे क्या ओके सेक्शन नंबर सेवन क्लोज नंबर डबल है बेटा ये ए समझ में आया बेटा क्लोज़ ए मतलब सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन दी कोर्स और फर्दर रेंस ऑफ बिजनेस ओके मालिक ठीक क्लोज नंबर डबल बोलता है क्या अगर किसी एओपी या बी ने अपने मेंबर्स को कोई सप्लाई किया है गुड्स और सर्विस और बहुत फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा बेटा हाँ है ना भाई अच्छा बहुत इजी पॉइंट है सर कोई टफ पॉइंट नहीं है वो, वो तो क्या इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली इस पर बहुत डाउट थे बेटा इसलिए यहाँ पे क्लोज में डबल है बाद में अलग से इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट करके बेटा ओके मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखा है कोई खास बात नहीं सर सर एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीओ आई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए सर हम सब फ्रेंड्स लोग हमने मान लो मिलकर फ्रेंड्स क्लब और हा ना सोसाइटी बना दी बेटा सबने मिल किया होता ना रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी बेटा हाउसिंग गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी एक में सेक्रेटरी याद आया बेटा आपको यस सोसाइटीज आत्माराम सर पता है कैसे मैंने जैसे ही बोला सर और आपको पूरा तारक मेहता का उल्टा याद आ गया बेटा ऐसे पढ़ाई याद क्यों नहीं आती है सर क्लियर अगर ऐसे पढ़ाई याद आने लगी तो सर अगर ऐसे पढ़ाई याद आने लगी तो माहौल बन जाएगा सर क्लियर एंड सर बेट अगर आपने ध्यान रखा सर इस तरह की पढ़ाई हम कर लेंगे बेटा, okay? सरकार हो हो गया Friends Club हो गया हमने मिल के एक क्लब बना दिया माहौल मान क्या, माहौल माहौल सर. सर, क्या करेंगे सर हम माहौल बनाएंगे सर तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया हम लोग सब मेंबर है बेटा उसके सुना सुना हो शरी अब हम लोग हर महीने एक मीटिंग रखेंगे सर हम सब मिलके शाम को एक पार्टी करेंगे बेटा जीएसटी के जो भी अपडेट आएंगे वो भी बात कर लेंगे फॉलोड बाय डिनर एंड माहौल जबरदस्त शानदार है हाँ ना भाई क्लियर डांस वांस पार्टी माहौल के साथ बेटा अब सर पॉइंट आता है कि वो क्लब फ्रेंड्स क्लब हम सबको क्या कर रहा है बेटा हर महीने एक पार्टी दे रहा है बेटा क्लियर अब सर हमको जीएसटी की जितने भी अपडेशन है वहां मिलेंगे सर पार्टी वार्टी होगी माहौल बनेगा अपडेशन वगैरह सारे हो जाएंगे बेटा ठीक है पर सर वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड चाहिए बेटा तो हमने क्या किया हम सब ने मिलकर कुछ कॉन्ट्री किया होगा बेटा हम सब ने मान लो मिलकर सौ सौ रुपए कॉन्ट्री किए बेटा मान लो एक हजार मेंबर है एक हजार इंटू सौ हो कितना हो बेटा वन लाख रुपए बेटा हमने डिसाइड किया कि मंथली हम सौ सौ रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सर Clear? और सर वो एक लाख रुपए का फंड होगा उससे सोसाइटी क्या करेगी बेटा आपको सर अपडेशन के लिए पार्टी पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी बच्चों है हाँ है है ना भाई अरे clear? तो क्या कर रहा रहा क्लब आपको सर्विसेज दे रहा है बेटा बेटा प्रोवाइड करने वाली क्लियर और उसके अगेंस्ट आपसे क्या ले रहा है कंसिडरेशन yes no? yes. so, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर

अब यहाँ पे हर महीने पार्टी ऑर्गेनाइज पार्ट करनी है सबसे सौ सौ रुपये कलेक्ट करने हैं अब ये काम करेगा कौन बेटा हर महीने पार्टी ऑर्गेनाइज करना वेन्यू क्या होगा टॉपिक क्या होगा सबको इन्वाइट करना वेन्यू भेजना क्लियर सौ सौ रुपये कलेक्ट करना है काम करेगा कौन बेटा तो सर हमने क्या किया हमारे क्लब में से दो मेंबर थे उन्र्मला साहब ये काम हम कर लेंगे हम एक्सपर्ट है इसमें सर क्लियर ये सब ऑर्गेनाइज हम कर देंगे अब वो सर समाज सेवा करने से पैदा हुआ नहीं बेटा तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब बेटा और उर्मिला हमको मंथली पाँच पाँच हज़ार रुपये दे देना बेटा तो

पता है झगड़ा क्या था बेटा लोग क्या बोलते थे जैसे हम लोग जो सौ सौ रुपए कॉन्ट्री कर रहे हैं बेटा तो लोगों को क्या कहना था सोसाइटीज का क्या, 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 क्या कहना था एओपी बीओ का क्या कहना था बेटा कि हम तो खुद ही खुद को ही तो सप्लाई सप्लाई दे रहे हैं क्लब कौन है हम लोग पैसा कौन दे रहा है हम लोग, लोग किसको दे रहे खुद को ही दे रहे अब खुद को ही खुद ही पैसा दे रहा है किस बात का जीएसटी साहब हाँ ना इट इज अ सेल्फ सप्लाई बेटा क्लियर ये बोलते हुए लोग जीएसटी पे नहीं कर रहे थे तो लोग तो सेक्शन नंबर सेवन में गवर्नमेंट ने क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया और बोल दिया दिमाग खराब करना मंगल क्या बोला दिमाग खराब करना मंगल नॉट विथ स्टैंडिंग क्या लिखा बेटा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लो किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हुआ डोंट केयर नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब तो इसका मतलब उसके साथ स्टैंड नहीं करना बेटा उसमें कुछ भी लिखा डोंट केयर नॉट एनीथिंग कंटेनिंग एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग या कोई भी जजमेंट कोई भी ऑर्डर कोई भी डिक्री में कुछ भी लिखा डोंट केयर सर एओपी और उसके मेंबर्स दो डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे और उन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया है तो वो में आएगा, बात बेटा। हाँ ना भाई क्लियर समझे मेरी बात उसको थोड़ा लैंग्वेज लिख दिया पर मीनिंग यही है बच्चों कुछ समझा कि गया पक्का पक्का, पक्का।, पक्का।, पक्का। चलिए सर अब मान लो हमारे फ्रेंड्स क्लब ने माहौल क्लब ने सोचा अब जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं ये पार्टी शार्टी तो हम करते रहेंगे सर पर जिंदगी में कुछ बड़ा भी तो करना है तो हम सब ने सोचा एक काम करते हैं सर हम सब लोग कुछ आ, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते पुणे के अंदर बेटा शानदार वाला अब सबका एक दूसरे पर विश्वास बन गया बेटा ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई बेटा कोई चिटिंग नहीं करेगा इतना हाँ। हमने कर एक काम करते, करते हैं बेटा क्लियर अब वन थाउजेंड में उन्होंने अगर वन मन लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है कितना हो गया बेटा टेन करोड़ बेटा दस करोड़ रुपए होगा बेटा अब हम क्या करेंगे दस करोड़ का बेटा बड़ी वाली पार्टी करेंगे ऐसा हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे बिल्डिंग का नए एक कोई बड़ा बिल्डिंग का हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्लियर ये, ये और ये पैसा आपको वापस मिलेगा बेटा हाँ है ना समझे मेरी बात ये हमने क्या किया बेटा इन्वेस्ट किया अब वन लाख रुपये जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो क्या है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या है मालिक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अब आप मुझे बताओ एक लाख रुपए जो आपने यहाँ पे दिया है कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या दिया बेटा आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या वन लाख रुपए आपका लिए एक्सपेंडिचर है बेटा आवाज आ रही है क्या क्लब ने आपको कोई सर्विस दी एक लाख रुपए की बेटा नहीं नहीं इट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा और यही अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता क्या होता बेटा यही अगर कोई रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन था तो उस पर जीएसला कितना बेटा मुझे बताओ आवाज नहीं आ रही रेवेन्यू मतलब सौ रुपये पर मेंबर जैसे एग्जाम्पल बेटा रुपीज हंड्रेड है ना आपको ध्यान रहेगा बेटा अरे हाँ ना भाई क्लियर तो ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या refundable amount है रिफंडेबल अमाउंट है हाँ बेटा ना मालिक ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये इन्वेस्ट हुआ है आपका क्लियर समझे इस पर जीएसटी आवाज नहीं आ रही नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड इट इज प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी दिस इज प्योर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी आपने मनी इन्वेस्ट किया एक तरह से बेटा क्या इन्वेस्ट किया बेटा आपने मनी इन्वेस्ट किया बेटा अरे क्लियर और यहां पर जीएसटी लगेगा बच्चों। क्लियर पक्का तो सर पता है जब इस तरह का ज्वाइंट वेंचर या सोसाइटी या एओपी बीवाई जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर बेटा हा ना भाई जेवी एओ BOI, कोई सोसाइटी कोई, कोई भी नाम लिख दीजिए बेटा ये जब कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे लेती है बेटा इस कॉन्ट्रीब्यूशन को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते क्या कैश कॉल कैश मंगा रहे बेटा आपसे क्लियर और अगर वो कैश कॉल रेवेन्यू नेचर का है क्या है बेटा रेवेन्यू नेचर का है तो तो उस पर जीएसटी लग जाएगा बच्चों और अगर वो कैश कॉल क्या है बेटा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों क्लियर तो दैट इज प्योरली अ ट्रांजेक्शन इन मनी

Clear? नहीं अ प्योर ट्रांजेक्शन मनी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर बच्चो आवाज नहीं आ रही yeah. आपने किसी को उधार एक लाख क्लियर सेम वे यहाँ पे, एक पे yeah. way, भी एक लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा यहां तक बात समझ में आई कि गई बेटा पक्का डन ठीक है सर यहां तक क्लियर पिक्चर आपको हाँ ना भाई ठीक है सर सर <coughs> इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई क्या पटेल बेटा सप्लाई द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स ओ मालिक द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर बी सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस

अच्छा एग्जाम्पल दू आपके लायक एग्जाम्पल दू या मेरे लायक दो बेटा चलो आप हो या मैं हूं कैटेगरी तो एक ही बेटा सर ये। अच्छा एग्जाम्पल दू मस्तला चलो सर मस्त एग्जाम्पल देते सर क्या नाम कैशव भाई सर इन्होंने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा सर कहां से बेटा आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब किए और खास बात पेड सब्सक्रिप्शन था बेटा oh. क्योंकि सर सर्विसेस शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन हा ना भाई प्रो प्रो सर्विसेज लीजिए बेटा नंबर पॉइंट इज दैट आउट ऑफ इंडिया से आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से आपने कोई विडियोज सब्सक्राइब किए बेटा हा ना भाई फॉर अ कंसिडरेशन अब भले वो वीडियो आपने बिजनेस के लिए की हो या पर्सनल समझ लो बेटा आप हाँ बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड बेटा क्लियर वो क्या है सप्लाई है क्या है सर क्योंकि आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से ओ हो शरी वीडियो सब्सक्राइब किए फॉर अ कंसीडरेशन वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन दर्स ऑफ अदर ऑफ हिज बिजनेस वो सप्लाई है और सप्लाई है तो क्या लगेगा मालिक जीएसटी क्लियर वेबसाइट बताऊं बेटा नेटफ्लिक्स डॉट कॉम बेटा आपकी आपकी थॉट्स को मैंने एक सही डायरेक्शन में रिपोर्ट कर दिया सर हाँ है ना भाई सर अभी पूरा दिन है बेटा आपके लिए पढ़ाई करनी है बेटा आपको सर सुनना बात ध्यान से इधर ए होशियारी सर ओ आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर इधर इधर, इधर सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर भले बिजनेस के लिए ना हो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा मतलब मान लो रात को अपने वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा और और सुबह उठ के उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा हाँ है ना अच्छा अब जीएसटी कौन पे करेगा कैसे पे करेगा वो बात अभी मेरा पॉइंट वो नहीं है बेटा अभी सप्लाई के स्कोप में बात ये कर रहे बेटा क्लियर मालिक पक्का तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर आवाज नहीं रही ऑफ सर्विस फॉर

अगर कंसीडरेशन भी नहीं है पर अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल वन में कवर है कहा कवर है बेटा शेड्यूल वन में कवर है तो सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा <coughs> मतलब ये एशरी सेक्शन नंबर सेवन ए, ए बोलता है क्या सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन प्लस इट शुड बी इन कोर्स ऑफ बिजनेस

नहीं है तो चेक कर लेना क्या कहीं वो शेड्यूल नंबर में कवर तो नहीं है अगर शेड्यूल में कवर है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा यहां तक बात समझ में आ रही है आपको बेटा शेड्यूल वन पढ़ लेंगे पर शेड्यूल वन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे बेटा देखो सबसे पहले चेक कर लेना अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें सप्लाई है खत्म खेल

वो शेड्यूल नंबर वन में क्या कवर है देख ले क्या बच्चों? अरे पक्का ठीक है देखना क्या दिखा बेटा आपको बस सर शेड्यूल नंबर वन कर फतेह हाँ। नहीं सर इतनी मेहनत आप करो कि आपकी हो फतेह और सामने वाले की हा सर सुनना बात ध्यान से मान लो यहां पे एट प्रेजेंट फोर ट्रांजेक्शन कवर है चार पेरा कवर है बेटा और चार पेरा में चार पॉइंट लिखे और बोल दिया क्या ये चार पेरा में अगर आपका ट्रांजेक्शन कवर होता है तो भले वो विदाउट कंसिडरेशन फिर भी वो सप्लाई होगा और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा क्लियर मालिक फर्स्ट पेरा सुनो ध्यान से परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बीन अवेल्ड बताऊंगा समझाता हूं पेरा नंबर वन परमानेंट ट्रांसफर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द ऑफ बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन टी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ठीक मालिक मैं समझाता हूं बेटा यार आप मुझे बताओ ये कैमरा मैंने परचेज किया हूं तो करना पड़ेगा ना जीएसटी गवर्नमेंट ने बेटा मेरे को अलाउ क्यों किया आई क्योंकि ये मेरे बिजनेस में काम आ रहा बेटा अल्टीमेटली मेरी कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा बेटा और अल्टीमेटली मेरे आउटपुट सप्लाई में काम आ रहा है इसलिए इसका आईटीसी मिलेगा आपको और मेरे को पता दस का क्रेडिट क्यों मिला बेटा हाँ मैंने क्रेडिट ले ली और फिर इसको अपने दोस्त को बोला जहां आपने घर पे यूज करा आराम से मतलब कैमरा परचेज करके क्रेडिट तो खुद ने बिजनेस में ली बेटा और काम आ रहा किसी और के बेटा इसने क्रेडिट ज्यादा क्या तोरको? आप सोचो देखो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट ने मेरे को आईटीसी क्यों अलाउ किया

क्लियर क्या अगर मैंने कोई असेट परचेज किया है बिजनेस का जिसके परचेज पे मैंने आईटीसी लिया है और वो मैंने अगर परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया किसी और को भले लिया है नहीं लिया आप मुझे बताओ उस उसट के परचेज लिया था वो मिलना चाहिए बेटा यार आवाज नहीं आ रही सर तो सर जिस दिन आप उसको परमानेंटली ट्रांसफर करोगे उस दिन मान लेंगे आपने सप्लाई कर दिया बेटा सप्लाई कर दिया मतलब उस उसमें जीएसटी पे कर दो दू हाँ ना सर अच्छा जीएसटी अगर पे करेंगे

क्योंकि इसके परचेज में क्रेडिट नहीं लिया अच्छा एक बात सोचो अगर मैंने परचेज में जीएसटी पे किया था और क्रेडिट नहीं लिया मतलब कोई नुकसान तो है ही नहीं हाँ टैक्स पे करके उसका क्रेडिट ले लिया होता और फिर बिजनेस के लिए काम नहीं ले रहा है बेटा तो गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस हो गया बच्चे इसलिए के स्कोप में डाल दिया वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आता बोलो या सर वापस बोलता है बेटा में परमानेंट ट्रांसफर क्या बोला मालिक और डिस्पोजल ऑफ ऑफ़ वेयर बिजनेस टी सी एज बीन अवेल हाँ ना मालिक अच्छा सुन अगर मैंने कोई बिजनेस का असेट बेच दिया फॉर अ कंसिडरेशन बेच दिया फॉर a... अ वो सप्लाई है कि नहीं सर

Consideration in the course or further of business. हाँ ना सर अगर consideration लिया लिया में वो आ गया बात खत्म नहीं लिया फर्क नहीं पड़ता पर अगर विदाउटेशन बेचा है क्या क्या सर तो वो क्लोज ओबर ए में कवर नहीं बेटा डबल ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है सी में हमने देखा सी बोलता है परचेस पे क्रेडिट लिया है अगर तूने परचेस पे

Clear? पर ये ये अगले मिनट जो ना मैंने, बात वो है, ये जीवन भर नहीं भूलोगे समझे मेरी बात, अब कितना ही घुमा फिरा आपको देगा, सर, answer हमेशा आपका आएगा बेटा, अरे clear? Yeah, ठीक सर। तो सेक्शन नंबर सेवन सी बोलता है क्या वो सारे ट्रांजेक्शन वो सारी एक्टिविटीज नंबर वन वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन

डोनेट कर देने बेटा तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया बेटा था ना बच्चे क्लियर तो वहां पे सप्लाई के स्कोप में आई मेरी आपको कारण क्या है वरना क्या होता, के नहीं होता ना बेटा तो आज सोचो मेरे को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई ट्वेंटी डोनेट करने होते हैं और मैं शोरूम वाले को बोलता तुम डायरेक्ट लैपटॉप लेके उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देना हा है ना पैसे में दे दूंगा आपको ठीक है अरे समझ मारा है अब गवर्नमेंट लोग क्या करते बेटा वहां पे अगर उसको डोनेट करना होता तो क्या करते अगर ये क्लोज नहीं होता तो पहले वो लैपटॉप खुद के नाम पे खरीदते बेटा बिजनेस के नाम पे खरीदते ट्वेंटी लैपटॉप का क्रेडिट लेते बेटा मान लो पचास हजार का लैपटॉप है बेटा चालीस हजार वैल्यू है दस हजार टैक्स है बेटा उस पर तो दस हजार का तो क्रेडिट मिल गया बेटा तो अपनी कोस्टिंग चालीस हजार ही बची ना यार क्लियर और अब क्रेडिट लेके फिर डोनेट कर दो बेटा तो दस हजार रुपये पर लैपटॉप तो बच गया ना यार तो गवर्नमेंट के मूर्ख है तो गवर्नमेंट बोलते दिमाग खराब मत करना मंगल यहाँ पे वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और अगर आपने कोई असेट पर क्रेडिट लिया है और उसको अगर आपने डोनेट कर दिया परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तो सर ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बोलो यस सर पक्का, पक्का। सर ये था नंबर वन पैरा नंबर टू जहां पर विदाउट कंसर्वेशन फिर भी क्या है सप्लाई जहां पर विदाउट कंसरेशन है फिर भी क्या है सप्लाई है चलो एक काम करता हूं मैं जो हमने एनालिसिस कर लिया है साहब उसको मैं यहां लिख दू क्या ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जो मैं समझा चुका हूं आपको ताकि लाइफ में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इधर ध्यान इधर ध्यान एक बार आप मेरे को इसको ड्रॉ करने में मदद करिए बेटा देखो आ, मैं भी यह लिख रहा हूं ना बेटा तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को लिखो जो आपने पढ़ लिया भाई क्लियर आप इन्वॉल्व हो है सही है। क्लियर कॉपी करने में क्या है कॉपी यहां होना चाहिए सर सर परमानेंट ऑफ बिजनेस असेट्स। एक केस बना तुम कौन सा फॉर अंसिडरेशन और यहां पर उट कंसिडरेशन आपको आवाज नहीं आ रही ये अब अगर आपने बिजनेस के एसेट्स को इधर इधर ध्यान नज़र आपने अगर के सोचिए ना बेटा अच्छा यहां सोच लिया तो घर जाके याद नहीं करना पड़ेगा यहां नहीं सोचा तो घर जाके याद करना पड़ेगा सर ठीक है मैं चाहता हूं आप प्रोसेस में इन्वॉल्व बेटा अगर आपने बिजनेस के एसेट्स को फॉर अंसिडरेशन बेचा है तो बताओ सप्लाई है कि नहीं सर आवाज आ है? Yes. पर सर इसमें दो सिचुएशन बनाता हूं बेटा मैं उस बिजनेस के परचेज बिजनेस असर के परचेज पर आपने आईटीसी ली थी कि नहीं ली थी कोई फर्क पड़ता क्या आवाज आ रही हुए अगर आपने फोरा कंसीडरेशन बेचा है अगर आपने फोर बात खत्म वो सप्लाई है और वो भी सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए में कोई डाउट इसमें बेटा उस बिजनेस के पे मैंने परचेज पे क्रेडिट लिया या नहीं लिया वी डोंट केयर सिंस इट वाज फॉर अ कंसीडरेशन तो क्लोज नंबर ए में ही खत्म हो गया हम सी में आएंगे क्यों बेटा हाँ है ना जब ए में पिक्चर खत्म होगी तो हम सी में आएंगे क्यों यार हम देखेंगे क्यों सी की कंडीशन यार पर अगर विदाउट कंसिडरेशन बेटा तो ए में तो कवर नहीं हुआ डबल ए में भी कवर नहीं हुआ बी में भी कवर नहीं हुआ पर सर सप्लाई ने बोला तो सी भी देखना पड़ेगा सर आपको सी में जब गए शेड्यूल नंबर वन में गए पेरा नंबर वन बोलता है क्या अगर आपने कोई बिजनेस के सेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तो सप्लाई होगा अगर अगर उस असेट के परचेज में आपने आईटीसी लिया था तो हाँ ना मालिक क्लियर तो सर टीसी वॉज अवेल्ड और आई टी सी वॉज नोट अवेल्ड हा मालिक देखना ध्यान से अगर मैंने उसके परचेज पर आईटीसी लिया था और उसको परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई होगा सप्लाय होगा कौन सा सेक्शन बेटा सेवन वन सी सॉरी हाँ. See? Schedule one. One. हाँ है ना मालिक? और यहाँ पे नो सप्लाई नो जीएसटी बात खत्म आउट अरे क्लियर देखो इसमें गवर्नमेंट को लॉस भी नहीं हुआ क्यों क्योंकि उस असेट को जब ओरिजिनली किसी ने बेचा होगा जिससे मैंने खरीदा होगा उसने मैंने जीएसटी पे करके लिया होगा बेटा गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गया उसका हमने क्रेडिट लिया भी नहीं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास है बेटा और जब विदाउट किसी को दूंगा आपको तकलीफ वाली बात गवर्नमेंट को है नहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक बार मिल चुका बेटा है हाँ ना भाई क्लियर डन समझा कि नहीं समझा सर क्लियर डन तो सर पेरा नंबर वन का एनालिसिस समझ में आया कि नहीं आया सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर सी शेड्यूल वन पेरा वन समझ में आया कि नहीं आया सर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस वेयर इज बीन इफ इट विदाउट डिस्पोजलेशन तो वो सप्लाई होगा अगर परचेस पे आपने लिया था तो बेटा हाँ ना भाई और अगर फॉर अ कंसिडरेशन था तो क्लोज नंबर ए में ही uh, काम हो गया था बेटा हम सी में आएंगे नहीं बच्चों क्लियर डन पक्का मालिक ठीक सर अच्छा अब एक काम करते हैं पैरा नंबर टू देखने से पहले एक बार हम बुक में देख लेते सर कि मैंने क्या पढ़ाया कहा तक पढ़ाया क्या आपका कवर हो गया और क्या क्या आपको पढ़ना है क्लियर और क्या क्या नहीं पढ़ना है बेटा ओके okay? ठीक सर अच्छा आपको जो बुक मिला है बेटा चैप्टर नंबर अभी आपको नहीं पढ़ना है बुक से चैप्टर वन वो याद है डे वन पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जीएसटी का कि जीएसटी कैसे आया डुअल मॉडल जीएसटी सी जीएश्टी और एस आया जीएसटी काउंसिल क्या होता है हा है ना वैसे बहुत सारी बातें आपसे चैप्टर कर चुका हूं। पर फिर भी, फिर भी, भी उसको हम हम डिटेल में और कुछ बातें जो है, वो हम करेंगे बाद में बेटा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं छोड़ दिया, पढ़ेंगे कि के कौन से से आर्टिकल जीएसटी आया है, क्या वो सब हम देखेंगे बेटा, ओके? पर अभी आपको बुक से जो पढ़ना शुरू करना है, वो कि आर डिस्कशन इन दिस बुक विल प्रिंसिपली बी प्रिंसिपली कन्फाइंड टू तो ऑफ बेटा एस जी एस टी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एस जी एस टी लो आपके आता पर परी एस टी में बेटा है ना भाई चलिए अब सेक्शन नंबर वन जो हमने पढ़ा था बेटा की जीएसटी का लगता है बेटा याद आया बेटा आपको कहा लगता है बेटा जीएसटी पूरे इंडिया में बेटा अच्छा इंट्रा सेट सप्लाई पे क्या लगेगा बेटा इंट्रा इंट्रा तो सारे स्टेट्स में सीजीएसटी और एजीएसटी लगेगा और है ना और इंटरस्टेट सप्लाई भी करने में क्या लगेगा आईजीएसटी पर यही अगर यूनियन टेरिटरी होता है बेटा एक्सेप्ट एक्सेप्ट दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर वहां पे तो एजीएसटी लगता है बेटा है ना तो सर ऐसे केस में सर सर हाँ कुछ फेंकना मेरे फिग्ना बेटा ठीक है अरे सर इधर इधर चिंगम खा और उसका रैपर

जम्मू कश्मीर होता तो तो जीटी लगता ना बेटा यार तो सीजीएसटी जी एस टी और एस जी एस टी लगेगा और इंटरस्ट पे आई जी एस टी बचे अच्छा बाकी की कौन सी बेटा अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दादरा लक्षदीप दादरागर हवेली दमन एंड दीव लद्दाख चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी जो अगर बचता है कोई तो बेटा हाँ ना भाई ठीक को डाउट ठीक एक यहाँ सुंदर सा यहाँ पे एक चार्ज रखा इंटरेस्टेड क्या होता है इंटरेस्टेड क्या होता है वैसे हम बहुत अच्छे से बात कर चुके बेटा इंडिया की डेफिनेशन बेटा ये रखो आप पेंडिंग पी लिखो बेटा पी मतलब पेंडिंग ओके बेटा ठीक फिर ये सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन ये सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन नंबर वन अरे फाइव वन याद है आई का बेटा नाइन वन याद है सी का बेटा ये जो हमने पढ़ा पूरा वो हो रहा है बेटा ठीक है दारू पे जीएसटी अरे दारू पे जीएसटी ठीक मालिक ठीक है घुमलोमो नहीं रे रेम लो हाँ ना भाई ठीक अरे क्लियर ठीक इधर इधर अच्छा फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है रिवर्स चार्ज क्या होता और है सप्ला, सप्ला है ई कॉमर्स वाला सेक्शन में जो ना बेटा वो ईसीओ सी सप्लायर बेटा हा भाई वो रिवर्स चार्ज नहीं बोलते बेटा उसको हा मालिक ठीक फिर सर गुड्स सर्विस अगर आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो मैंने बताया सर्विस के इंपोर्ट करने पर आजीसी लगेगा बेटा गुड्स के इंपोर्ट करने पे कस्टम प्लस आईजीसी दोनों लगेगा बेटा पर एक्शनेबल क्लेम याद है बेटा आपको

सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा नो सप्लाई नो जीएसटी ठीक है ठीक अच्छा अब यहाँ पे जो सेक्शन नंबर सेवन दे रखा ये रखा है लिखी हुई है समझे यहां पे मैंने लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स सिर्फ तुम ही हो ऐसा नहीं है तुम भी हो माई लाइफ मीन इन माई लाइफ इंक्लूड्स याद ना भाई ठीक सर

जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी शुरू किया बेटा इसका डोनेशन दिया बेटा हाँ ना भाई ये सब एना है सप्लाई को ब्रीफ में दे है, जो दे है, ब्रीफ दे है, जितना पढ़ा उतना देखना बेटा यहाँ से है सब दिया आपको मेड और अग्री टू मेड फॉर याद है बेटा आपको क्लियर सर ये सेवन वन ए का रखा है जो मैंने आपको पढ़ाया देखा अच्छा अब यहाँ पे गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है पेंडिंग क्या रखना है बेटा पेंडिंग पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है एनालिसिस ऑफ द टर्म कंसीडरेशन याद है बेटा कुछ पाने के लिए कुछ किया तो सप्लाई होता है याद है बेटा देयर शुड बी डायरेक्ट डायरेक्ट लिंक याद आया बच्चों आपको ये यहां पे पूरा इसको आपको मैंने जो बताया है, वो समझा रखा है बेटा हां है ना अच्छा आपने किसी को डिपॉजिट दिया है क्या दिया बेटा आपने व्हिच इज रिफंडेबल जैसे कोई घर रेंट पे लिया आपने उसके लिए डिपॉजिट दिया क्या वो रेंट है क्या वो रिफंडेबल है ना है? वो कंसीडरेशन नहीं होता है हां है ना भाई ठीक सर, फिर ये सर्कुलर के बारे में आपको बता था, था पुण्य का काम पुण्य के लिए क्या सप्लाई तो नहीं है पुण्य का काम पब्लिसिटी याद है बच्चा आपको। फिर वो आर्ट गैलरी वाला है बेटा ठीक और 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 है दीपिका पादुको एक्साम्पल मजा आएगा बेटा पढ़ते पढ़ते है ना दर्शन सर क्लियर सर आपकी दे रखे मैंने क्लास बिजनेस का डेफिनेशन अगेन ये जो डेफिनेशन दे रखी ना बेटा ये पेंडिंग रखना बेटा मैंने समझाई आपको पर पूरी पढ़ाई नहीं है

समझे मेरी बात तो आप मेरी बात को समझिए बच्चों के, के, के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे बेटा। दो अप्रोच होती है बच्चों एक तो बुक खोलो एक एक वर्ड पढ़ा के आपको बताओ बच्चा ये लिखा है या मैं चाहता हूं कि आप बुक से देखें और आपको लगे नहीं मेरे को ये आता है जो बुक में लिखा है बेटा क्लियर अच्छा अब मेरा रिक्वेस्ट क्या है जो यहां लिखा है मैंने वो एब्सोल्युटली सब कुछ आपको आता है बेटा क्लियर पर एक बार अगर आप रीड कर लेंगे ना बच्चे घर जाके तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे आएगा बेटा ओके क्लियर एंसर अगर जो मैंने आज लिखा है मिलते हैं कल थैंक यू आई होप मजा आया सप्लाई में yes. Yes or no? Yes, no. बारात माता की. थैंक यू सो मच यू कैन क्लिक ऑफ slides, कॉपी करने के लिए बेटा के थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू बाय टेक केयर माहौल